मंत्री अगर तोड़ देंगे। देखिए हम पहली बार में किसी विवाद में नहीं पढ़ना चाहते थे, ऐसे भी बहुत सारे विवाद हैं, इसलिए हमने इन सब लोगों के लिए वॉलंटरी छोड़ रखा है। दिल्ली उनकी भी है और वो इस बात पर सोचे। चलिए मैं कुछ जनता के सवाल लेता हूँ। यहाँ से सवाल है जी, गोपाल जी, हम इस मुहिम का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि पोल्यूशन कम हो, लेकिन सीएम ने यह कहा कि अगर मास डिसोबीडियंस होगा तो वो स्कीम वापस ले ली जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप आश्वस्त नहीं है इस स्कीम को लेकर, और अगर हैं तो क्यों इस तरह का गलत मैसेज जनता में दिया गया? पहली बात, ये गलत मैसेज नहीं है। अरविंद केजरीवाल की ये एक ही पहचान है, वो हकीकत के साथ जीते हैं। हर स्ट्रिक्टनेस नहीं, हम पब्लिक को स्टिक करना चाहते हैं। 15 दिन में अगर बहुत बड़ा मेजर कोई दिक्कत आती है उसको रिव्यू करेंगे, ठीक करेंगे, पब्लिक के बीच में और कैंपेन करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। देखियो, दिल्ली को आज या कल खड़ा होना है, नहीं तो दिल्ली छोड़ के जाना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप उस तरफ हम बढ़ेंगे। जी सर, आपको जो 12 साल से छोटे बच्चों को आपने लिमिट दी है, लेकिन अगर हमारा बच्चा 17 साल का है तो उसको हम कैसे छोड़ के जाएंगे? सर, आपको 17 साल तक तो जो नाबालिग बच्चे हैं उनको लिमिट होनी चाहिए। सर, आप कहाँ बच्चे को लेके जाते हो? सर, कहीं भी, कहीं समाधान निकालेंगे। मैरिज पे लेके जा रही है सर, अगर कहीं का इमरजेंसी में पड़ जाए, अगर मम्मी को मैं बीमार, मैं मेरे बच्चे के है, मेरी मम्मी बीमार है, उनको बच्चा छोड़ के तो नहीं जा रही है। दो बात बता दो, देखो हकीकत में जीने की आदत डालें हम लोग। आपको अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आपके घर में बीमार पड़ गया, तो आपको तो इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी में तो आपको छूट दे रहे हैं। इमरजेंसी आ गई को तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर अगर आप जाना चाहते हो, अगर बच्चे को लेके जाना चाहते हो शादी में, तो 8 बजे के बाद लेके जाना। आपकी एक जिज्ञासा है कि आप 17 तक करना चाहते हो, ये 15 दिन का एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये भी कहा गया है कि इसको हम रिव्यू भी करेंगे। हो सकता है आगे जाकर सरकार रिव्यू करे या ना करे, जो भी 15 दिन में केवल 6 दिन, हाँ 15 दिन में केवल 6 दिन की दिक्कत है, बर्दाश्त कर लो। शादी भी नहीं है कोई। सर,